Hi friends, this is Rakesh and you watching Nursing Trends. Friends, Indian Nursing Council B.Sc Nursing में एडमिशन के लिए एक न्यू रूल ड्राफ्ट लेके आ गया है और इस न्यू रूल ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग B.Sc Nursing में एडमिशन अब 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स पास स्टूडेंट भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि B.Sc Nursing में एडमिशन केवल 12th साइंस पास ही कैंडिडेट्स ले, अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन को बचाना चाहते हैं तो सभी नर्सिंग के कैंडिडेट्स, सभी नर्सिंग की यूनियन को एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहना है। पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था गुड न्यूज़। तो ये गुड न्यूज़ नर्सिंग समाज के कैंडिडेट्स के लिए नहीं, वो गुड न्यूज़ मैंने बताई थी 12वीं आर्ट्स एंड कॉमर्स पास स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि न्यू रूल्स का जो ड्राफ्ट है वो ये कहता है कि अब जिन लोगों ने 12th आर्ट्स और कॉमर्स से पास की है वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। हालांकि ये जो नियम है ये नर्सिंग समाज के लिए घातक नियम है और नर्सिंग ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स कर चुके हैं उनके लिए एक अच्छी चीज नहीं होने वाला है। मेरा जो उस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था वो बीएससी नर्सिंग के कोर्स के बारे में बताने था, बीएससी नर्सिंग के बाद क्या जॉब मिलती है, बीएससी नर्सिंग करना सही है या गलत है, ये चीजें बताना था। उसमें गुड न्यूज को प्रसारित करना नहीं था, उस वीडियो को अन्यथा नहीं लेना। फ्रेंड्स, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी यही चाहता हूं कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है बीएससी नर्सिंग जो है उसमें केवल साइंस पास जो 12वीं साइंस पास कैंडिडेट्स है वही उसमें एडमिशन ले सके। तो फ्रेंड्स, क्या करना होगा आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स की एंट्री रोकने के लिए, उससे पहले आपको ये जो न्यू रूल ड्राफ्ट है इसके बारे में समझा देता हूँ कि ये क्या कहता है और अपने को इससे क्या नुकसान हो सकता है, उसके बाद में अपने बात करेंगे आपको काम क्या करना है। तो फ्रेंड्स, न्यू रूल कहता है कि जिन लोगों की एज 17 से 35 साल है वो अप्लाई कर सकते हैं और जिन लोगों ने 12वीं पास की है किसी भी स्ट्रीम में, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटी हो, किसी भी स्ट्रीम में की है और जिनके 12वीं में मिनिमम 45% मार्क्स आए हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग में। इसके लिए आपको एक इंटरेस्ट टेस्ट देना होगा और उस इंटरेस्ट टेस्ट में की मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इंटरेस्ट टेस्ट में है वो कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसमें एप्टीट्यूड ऑफ नर्सिंग के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और जनरल साइंस के 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देनी है क्योंकि उसमें रूल्स ये कहता है कि साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स के कोई भी स्टूडेंट्स है वो एडमिशन ले सकते हैं। इंटरेस्ट टेस्ट में जनरल साइंस के हैं वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे जो जिन लोगों ने 12वीं साइंस से की है उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इस रूल के अकॉर्डिंग भी। और जनरल नॉलेज के भी यहाँ पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 10 के और जनरल एबिलिटी के 10 के, तो इस तरह से यहाँ पे है वो मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। तो यहाँ पे साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हैं उनको 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इजी मिलने वाले हैं, बाकी जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं उनको साइंस के क्वेश्चंस हैं वो आने मुश्किल होते हैं। तो यहाँ पे साइंस के कैंडिडेट्स हैं उनको हालांकि फ़ायदा है, लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि जो नर्सिंग का प्रोफेशन है वो साइंस बेस्ड है, तो उसमें ओनली साइंस वालों की ही एंट्री होनी चाहिए। ये जो रूल्स है इसको INC को, इंडियन नर्सिंग काउंसिल को चेंज करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो इंटरेस्ट टेस्ट है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स है वो आपको लेके आने होंगे तभी आपका एडमिशन मिलेगा, उसके अलावा जो मेरिट रहेगी उसके आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो ये न्यू रूल्स है, तो अपने ये इस न्यू रूल्स में चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन है वो सिर्फ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को मिले, आर्ट्स कॉमर्स हर किसी को नहीं मिले, ताकि जो नर्सिंग प्रोफेशन की गुणवत्ता है, स्किल है, वो बनी रहे। फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स एक छोटा सा काम करना है, आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने ऊपर ही ऊपर एक नोट मिलेगा और उसमें लिखा हुआ है प्रपोज ड्राफ्ट रिवीजन ऑफ द बीएससी नर्सिंग सिलेबस 2020-21। 2020-21 में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के लिए एक न्यू ड्राफ्ट बनाया है और उसको यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। इसमें इन्होंने कहा है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC ने कहा है कि अगर आप इस न्यू रूल से सहमत है तो कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं सहमत है तो आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल को एक मेल करना होगा। क्या मेल करना है, उस मेल का जो मटेरियल है क्या उसमें लिखना है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आपको उससे कॉपी करना है और वो मेल कर देना है। मेल आईडी क्या होने वाली है, मेल आईडी यहाँ पे दी गई है बीएससी
और नीचे लिखा है बीएससी, उसके बाद में लिखा है सिलेबस, बीएससी सिलेबस @gmail.com। यहाँ पे घेरे में भी आपको दिखाई दे रही है बीएससी सिलेबस @gmail.com, और ये जो मेल है ये 24 जनवरी 2020 तक ही करना है। तो सभी जो नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं उन सभी को ये मेल 100% करना है। मेल में क्या लिखना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा मेटर लिख दिया है, उसी को कॉपी करके आपको मेल में चिपका देना है। ज़्यादा से ज़्यादा सभी नर्सिंग के कैंडिडेट्स को ये मेल करना है ताकि बीएससी नर्सिंग में आर्ट्स और कॉमर्स वालों की एंट्री रुक सके और नर्सिंग प्रोफेशन को अपने बचा सके। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने चैनल नर्सिंग ट्रेंड को आप सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबाएं। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने पेज नर्सिंग ट्रेंड्स ऑफिशियल को फॉलो जरूर करें। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।